बल्ली मारा के मोहल्ले की वो पेचीदा गलीलों की सी गलियां, सामने टाल के नुक्कड़ पर बटेरों के कसीदे, गुड़गुड़ाती हुई पान की पीकों में वो दाद वो वाहवा, चंद दरवाजों पे लटके हुए वे बोसीदा से कुछ टाट के पर्दे, एक बकरी के मिमियाने की आवाज और धुंधलाई हुई शाम की वो बेनूर अंधेरे साए, दीवारों से मुंह जोड़ के ऐसे चलते हैं यहां, चूड़ी वालान के कटरे की बड़ी भी जैसे अपनी बुझती हुई आंखों से दरवाजे टटोले, इसी बेनूर अंधेरी सी गली खासिम से एक तरतीब चरागों की शुरू होती है, एक कुराने सुखन का सफा खुलता है, असदुल्ला खां गालिब का पता मिलता है, असदुल्ला खां गालिब का पता मिलता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं जसप्रीत, कविता कारवां और निशस्त दिल्ली परिवार की और से आप सभी का दिल से स्वागत करता हूँ। अ वार्म वेलकम टू यू ऑल आफ्टर अ लॉन्ग हायटस, एंड सिंस इट्स गालिब्स अंदाजे बयां, तो मुझे याद आता है कि मुद्दत हुई है यार को मेहमा किए हुए, जोशे कदा से बज्म चरागां किए हुए। आप में से बहुत दोस्त हमारे साथ एक अरसे से जुड़े हैं, आप सभी का ये मोहब्बत बनाए रखने का बहुत बहुत शुक्रिया, आप ही की वजह से ये सफ़र इतना खुशनुमा रहा है। जो लोग आज पहली बार तशरीफ़ लाए हैं उन सभी का एक बार फिर से अभिनंदन, और उम्मीद करते हैं कि आप आने वाले वक्त में भी इस परिवार से दिलो खलूस से जुड़े रहेंगे। कविता कारवां और निशस्त दिल्ली एक ईमानदार और सच्ची कोशिश है हिंदुस्तानी जबानों को बढ़ावा देने की, लिटरेचर और पोएट्री को प्रमोट करने की और उसे हर आमो खास तक पहुंचाने की। निशस्त का लिटरल मीनिंग है गैदरिंग या बैठक, तो हम सभी रेगुलर इंटरवल्स पर निशस्त में मिलते हैं और कविताएं, गज़लें, नज़में सुनते और सुनाते हैं, एंड वी डू इट विद लव एंड वी डू इट इन लव। ये बताते हुए मुझे वाकई खुशी होती है कि बहुत से लोगों ने जिंदगी में पहली बार निशस्त दिल्ली के माध्यम से ही पढ़ना शुरू किया और फिर पढ़ते गए। हम उम्मीद करते हैं कि आप सबका भी पढ़ने का सफ़र हमेशा बरकरार रहे, एंड ऑल दो वी आर एन इनफॉर्मल ग्रुप, पर इस बज़्म इस महफिल के कुछ कायदे हैं जिनसे कॉम्प्रोमाइज़ की गुंजाइश लगभग कोई गुंजाइश नहीं है। जैसा कि यहाँ अपना कलाम नहीं पढ़ा जा सकता, दूसरा हम सिर्फ एस्टेब्लिश पोएट्स को ही पढ़ते हैं, तीसरा हर निशस्त से पहले एक थीम या पोएट सिलेक्ट किया जाता है, एंट्रीज इनवाइट की जाती हैं और फिर एक सिलेक्शन टीम उन एंट्रीज के तमाम पहलू चेक करके एक इंतखाब तैयार करती है और हर पार्टिसिपेंट को एक ही कविता पढ़ने की इजाज़त दी जाती है। लास्टली हिना कौसर जी जो कि आज के प्रोग्राम की निज़ामत भी करेंगी, तो मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि वो निज़ामत संभालें और आगे का सिलसिला शुरू करें। अगले करीब दो घंटे हम सब गालिब की खिदमत में पेश होते हैं। थैंक यू। आज के सफ़र की शुरुआत करते हैं, मिर्ज़ा गालिब की इस महफिल में आप सबका इस्तकबाल है। मैं आपको इस सफ़र पे ले चलूंगी, मेरी कोशिश होगी कि शेर व शायरी का जिम्मा आप पे छोड़ूं और गालिब की कहानी का जिम्मा मैं लूं।
ताकि जब आप यहाँ से जाएं तो आपको गालिब की जिंदगी की सारी अहम बातें, सब कुछ तो कवर करना पॉसिबल नहीं है, पर सारी अहम बातें आपको पता हो। तो आइए ले चलती हूँ आपको इस सफर में। जिस जमाने में मुगलिया सल्तनत का चिराग टमटमा रहा था, कोलोनाइजेशन का आफ्ताब तुलू होने को था, उस वक्त शेरो अदब की दुनिया में चंद ऐसी शमाएं रोशन हुई जिन्होंने आंखों को खैरा कर दिया। मिर्जा बेग असदुल्ला खां उर्फ मिर्जा गालिब इसी अहद के सबसे नामवर शायर हैं। उनके दम से उर्दू शायरी की दुनिया में एक इनकलाब पैदा हो गया। प्रोफेसर आले अहमद सरूर के मुताबिक गालिब से पहले उर्दू शायरी दिल वालों की दुनिया थी, गालिब ने उसे जहन दिया। उन्होंने गजल के जॉनर में नए मौजूआत और नए मजामीन दाखिल करके उसका दामन वसी कर दिया। आइए महफिल की शुरुआत करते हैं कस्तूरिका मिश्रा की एक गजल से। उन्होंने मुझसे ये दरख्वास्त की है कि मैं उनके गजल के बारे में आपको थोड़ा पढ़ दूं। स्टाइल ऑफ कंटेंट ऑफ गालिब इज बेसिकली ऑन साउंड्स कमिंग फ्रॉम वेरियस एरियाज ही लिव्ड इन, एंड इन दिस गजल ही विशेस टू नरेट द नॉनशैलेंस एंड अवॉइडिंग द इंटरेस्ट इन हिज लव फ्रॉम हिज बिलव्ड। He has used broken mirrors, knock on doors, cause of torture, and the voice behind the usual visible similarities. Please welcome Kasturika Mishra. गैर अज़ीस्त का के दर नहीं हो गई है गैर की शीरें बयानी कारगर इश्क दक्षिण में बीता हो पर उसका शिक्षण और पालन पोषण दिल्ली में हुआ। ये अलहड़ दिल्ली की गलियों में घूमती फिरी, जामा मस्जिद की सीढ़ियों पे सोई, महलों में इसके स्वरा लाप गूंजे, बागों में लालाओ गुल से उलझी और दिलों में बस गई। जिन कवियों के कारण उर्दू अमर हुई उसमें मीर और गालिब प्रमुख हैं। ये दो सर्वोत्कृष्ट कवि हालांकि दिल्ली के नहीं बल्कि अकबराबाद यानी आज के आगरा के थे। मीर और गालिब के बीच की बहस भी दिलचस्प है। खुदाए सुखन कौन, मीर या गालिब? क्रिटिक्स की अपनी राय और दलीलें हैं। हमारी नज़र में दोनों ही अव्वल दर्जे के शायर हैं, और गालिब की नज़र में, गालिब खुद ही कहते हैं, रेख्ते के तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब, रेख्ते के तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब, कहते हैं अगले जमाने में कोई मीर भी था। हमारे अगले पार्टिसिपेंट है जनाब सबाहत खान, जो मशहूर गजल दिले नादा तुझे हुआ क्या है पेश कर रहे हैं। हम हैं मुश्ताक और वो बेदार, हम हैं मुश्ताक और वो बेजार, या इलाही ये माजरा क्या है, या इलाही ये माजरा क्या है, दिल नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है, दिल नादा।
कि तुझ बिन नहीं कोई मौजूद, जबकि तुझ बिन नहीं कोई मौजूद, फिर ये हंगामा है खुदा क्या है, फिर ये हंगामा है खुदा क्या है, दिल नादा तुझे हुआ क्या है। आह को चाहिए एक उम्र असर होते तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होते तक। दावत दे रही हूँ अपनी एक बहुत ही अजीज तरीन दोस्त सादिया अलीम को, डीडी उर्दू में न्यूज रीडर और एंकर हैं, प्लीज इस्तकबाल कीजिए। मेरे बचपन का जो बल्ली मारान था वो मेहराबों और खुली हवा का एक सांस लेती हुई फिजा का बल्ली मारान था, जहाँ की गलियों में कबूतर की गुटरगूं और बकरी की घंटियाँ जो थीं सुबह की अजान के साथ घुल मिल जाती थीं और एक नई सुबह का आगाज़ होता था हलचल से। बल्ली मारान की मशहूर गली कासिम जान गालिब की हवेली, लेकिन उस वक्त वो हवेली कहीं नहीं थी, वहाँ थी एक कोयले की टाल, जहाँ पर एक बड़ा सा तख्त बिछाए हुए एक चचा नाम के शख्स बैठे हुक्के को गुड़गुड़ाया करते थे और उनके पास एक बड़ा सा बड़े रोबीले से सींगों वाला मेंढा होता था, जो उस गली की सारी बकरियों से खुल्लम खुल्ला पेचोखम लड़ाया करता था। तो हम वहाँ पर जाते थे, हमें कुछ पता भी नहीं था कि गालिब साहब कौन है और उनसे आगे चलकर क्या रवाबित रहेंगे। बड़े बचते बचाते थोड़ा बकरियों से और मेंढे से कोयले की टाल में जाकर सीधा सफ़ेद फ्रॉक को उठाकर सीधा कूद जाते थे और शाम तक भूत बनकर अपने घर वापस आते थे। तो गालिब की वो जो हवेली थी उसकी शक्ल बाद में उभरी और आज वो आप सभी के सामने है, अपना इतराफ़ अपना वजूद खुद ही मनवा रही है दुनिया के सामने। आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। दाम हर मौज में है हलक़े सद काम नहंग, देखें क्या गुजरे है कतरे पे गौहर होने तक। अब यहाँ पे देखे ना कि एक कतरा जब अपना सफ़र तय करता है, वो जाता है और वो मोती बनता है, तो हर मोड़ पर कुछ ना कुछ पड़ाव ऐसे आते हैं जहाँ कतरे का वजूद ही बिल्कुल ख़त्म होने की कगार पर हो जाता है। तो गालिब ने ये कहा है कि दाम हर मौज में है, हर कदम पर एक मौज मुँह खोले खड़ी है तुम्हें अपने अंदर पूरी तरह से समाने के लिए, कि ताकि तुम्हारा वजूद ही मिटा दे, लेकिन तुम्हारा ये मकसद नहीं है, तुम्हारा सफ़र मोती बनने तक है, तो खुद को बचाना भी है और मोती तक ले जाना भी है। हमने माना कि तगाफुल न करोगे लेकिन, हमने माना कि तगाफुल न करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। आगे बढ़ते हैं। दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, बैठे रहे तसव्वुरे जाना किए हुए। लता मंगेशकर, भूपेंद्र सिंह, मदन मोहन और लिरिक्स गुलजार के। Gulzar inspires all of us, but this particular song was inspired by a sher from Ghalib. Ghalib कहते हैं, जी ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, बैठे रहें तसव्वुरे जाना किए हुए। Please welcome Unnati Sharma, Nishast Dilli's Kaku on the mic for मुद्दत हुई है यार को मेहमा किए हुए। जी हाँ, this is the ghazal that inspired Gulzar. मुद्दत हुई है यार को मेहमा किए हुए, मुद्दत हुई है यार को मेहमा किए हुए, जोशे कदा से बज्म चरागा किए हुए, मुद्दत हुई है यार को
जिगरे लख्त लख्त को अरसा हुआ है दावते मिजगा किए हुए अरसा हुआ है दावते मिजगा किए हुए मुद्दत हुई है यार को मैं आगे बढ़ती हूँ इस सफर में एक शेर अर्ज है जरा सुनिए अपनी गली में मुझको न कर दफन बादे कत्ल अपनी गली में मुझको न कर दफन बादे कत्ल मेरे पते से खल्क को क्यों तेरा घर मिले लुक एट द लॉजिक आई मीन वो कहते हैं ना कि यहाँ से पकड़ो या यहाँ से पकड़ो गालिब कभी ऐसे नहीं पकड़ते गालिब तो वैसे ही पकड़ते हैं और उसकी खूबसूरती यह है कि वो आपको सोचने पे मजबूर करते हैं यू थिंक विद गालिब सो गालिब इज अ फिलोसफिकल शायर सो अब मैं शिफाली जी को बुला रही हूँ कि वो आए और अपनी गजल पेश करें मेहरबान हो के बुला लो मुझे तुम चाहो जिस वक्त मेहरबान हो के बुला लो मुझे तुम चाहो जिस वक्त मैं गया वक्त तो नहीं कि फिर आ भी ना सकूं जोफ में ताना ए अग्यार का शिकवा कैसा बात कुछ सर तो नहीं कि उठा भी ना सकूं हंस के बुलवाइए तो मिट जाएंगे सब दिल के गिले क्या तसव्वुर है तुम्हारा कि मैं मिटा भी ना सकूं एक गजल लेकर आ रही हैं हमारे सामने श्यामला कृष्णा मणि तस्की को हम न रोएं जो ज़ौक़े नज़र मिले तस्की को हम न रोएं जो ज़ौक़े नज़र मिले हुराने खुल्द में तेरी सूरत मगर मिले प्लीज़ इस्तकबाल करें तस्की को हम न रोएं जो ज़ौके नजर मिले तस्की को हम न रोए जो ज़ौके नजर मिले हुराने खुल्द में तेरी सूरत मगर मिले तस्की को हम न रोए सरदार मिर्ज़ा गालिब से मिलने को आए जब वो जाने लगे तो गालिब खुद शमा लेकर बाहर आए सैयद सरदार मिर्ज़ा ने कहा क़िबला आपने क्यों तकलीफ फरमाई मिर्जा तपाक से बोले मैं आपका जूता दिखाने को शमा नहीं लाया बल्कि इसलिए लाया हूं कि आप मेरा जूता ना पहन लें खास तौर से हम लोगों ने इसलिए शमा का बेहद अच्छा इंतजाम किया है क़िबला डरिए मत गालिब की जिंदगी के ऐसे ही कुछ किस्सों के साथ आ रही हैं शाहीन पूछते हैं वो के गालिब कौन है पूछते हैं वो के गालिब कौन है कोई बतलाओ के हम बतलाएं क्या एक ऐसा फ़कीर आदमी एक ऐसा सूफ़ी आदमी एक फ़लसफ़ी जो इतनी बुलंदी पर है ना हिंदू है ना मुसलमान सिर्फ एक इंसान दोस्त है एक इंसान दोस्त है तरक्की पसंद है और जो अंधेरे में भी रोशनी देख रहा है वो छोटे छोटे खानों या बंदिशों में कहाँ तब्दील होने वाला है पूरी अजमत कायनात अजमत इंसानी में मुसलमानी या हिंदू थोड़े हैं वो एक इंसान की बात कर रहा है गालिब साहब का एक शेर है जला है जिस्म जहाँ दिल भी जल गया होगा अब इस्लाम में तो जिस्म के जलाए जाने की कोई रवायत नहीं है दफनाए जाने की है ये तो हिंदुओं के यहाँ है लेकिन लेकिन वो कितने सलीके से हिंदू तहजीब को अपनी शायरी में समा रहे हैं
5 साल के थे तो पिता का देहांत हो गया। फिर चचा नसरुल्ला बेग खान ने बड़े प्यार से पाला, लेकिन जल्दी ही चचा की भी मृत्यु हो गई। हालांकि खुशहाल थे, लेकिन नन्हे गालिब पर इन मोहब्बत करने वालों की मौत का असर ना हुआ हो ऐसा मुमकिन तो नहीं लगता। और दर्द को गालिब से बेहतर कम ही शायर जाहिर कर पाए हैं। आइए इस्तकबाल करते हैं उशी फातिमा का, जो पढ़ रही हैं गालिब की मशहूर गज़ल, जुल्मत कदे में मेरे शबे गम का जोश है, एक शम्मा है दलील जहर सो खामोश है। जुल्मत कदे में मेरी शबे गम ظلمت کدے میں میری شب غم کا جوش ہے ایک شمع ہے درے سو وہ سرہوش ہے ظلمت کدے شب غم کا جوش ہے داغ فراق صحبت شب کی جلی ہوئی داغ فراق صحبت شب کی آگرہ میں غالب شیخ معظم علی سے تعلیم پاتے رہے، مشہور شاعر نذیر اکبر آبادی سے بھی کچھ تعلیم دی، اور فارسی کے عالم ملا عبد الصمد سے فارسی کی تعلیم بھی حاصل کی۔ شروعات کی غزلیں غالب نے فارسی میں ہی کہیں۔ 1810 میں امراؤ بیگم سے بیاہ ہوا جب غالب محض 13 سال کے تھے۔ سسر نواب الہی بخش معروف شاعر تھے، سو غالب کو وہ ادبی ماحول بھی میسر ہوا۔ بطور شاعر پہلے مرزا تخلص اختیار کیا، مگر بعد میں غالب ہو گیا۔ پاپولرلی غالب کو ہم اسد نام سے بھی جانتے ہیں۔ اب دعوت دیتی ہوں اپنی پیاری دوست پوجا پریم ودا کا کہ وہ آئیں اور غالب کی بے حد مشہور غزل پڑھیں، جہاں غالب نے بچوں کے پلے گراؤنڈ کا میٹافر یوز کیا ہے۔ اینی گیسز؟ بازی چائے اطفال ہے دنیا میرے آگے، بازی چائے اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے۔ ایک کھیل ہے اورنگ سلیماں میرے نزدیک۔ You know, resistance comes in various ways. And I see it very subtly coming in Ghalib. He, as somebody mentioned in an anecdote, against the powers, he always poked them very softly, but he poked them. Hum pesh aao, hum mashrabo, hum raaz hai mera. Hum pesh aao, hum mashrabo, hum raaz hai mera. Ghalib ko bura kyun kaho, achha mere aage. In most of the verses written by Ghalib, the gender and identity of the beloved is indeterminate, which reminded me of Shakespeare and the ambiguity around the gender of his beloved. Well, I guess true minds, great minds think alike, but also that these verses by great masters have such universal appeal that they can be applied to any gender identity. And that's beautiful in my point of view. आइए सुनते हैं शालिनी वर्मा को, हमारे निशस दिल्ली की टीम मेंबर हैं और मैं उन्हें दावत दे रही हूँ पढ़ने के लिए दिल ही तो है नसंग व खिश्त दर्द से भरना आए क्यों। दिल ही तो है नसंग व खिश्त दर्द से भरना आए क्यों,
रोएंगे हम हजार बार, रोएंगे हम हजार बार, कोई हमें सताए क्यों। दिल की तो है न संगो खिश, दर्द से भरना आए क्यों। रोएंगे हम हजार बार, कोई हमें सताए क्यों। दैर नहीं हरम नहीं, दर नहीं आस्थान नहीं, दैर नहीं हरम नहीं, दर नहीं आस्थान नहीं। बैठे हैं रहे गुजर पे हम, अब मैं दावत दे रही हूँ एक ऐसे फर्द को जो हमारी निशस्त दिल्ली से जुड़े रहे हैं, पर वो अपने आप में एक स्टॉलवर्ट है। पोएट्री रीडिंग में उनका सानी नहीं, वो मैंने जितनी भी नायाब पोएट्री सुनी पढ़ते हुए किसी को मैंने उन्हीं से सुनी। वो एक पोएट्री रीडिंग चैनल भी चलाते हैं और बहुत अच्छी नज़में पढ़ते हैं, मतलब बिल्कुल दिल खुश हो जाता है। तो मैं दावत दे रही हूँ देवेश वर्मा जी को कि वो आए, बहुत अरसे से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बेहद उम्दा पढ़ते हैं और आज पढ़ रहे हैं कलकत्ते का जो जिक्र किया था। कलकत्ते का, कलकत्ते का जो जिक्र किया तूने हम नशी, एक तीर मेरे सीने में मारा कि हाय हाय। क्या बात, वो सब्जाजार हाय मुतर्रा के है गजब, वो सब्जाजार हाय मुतर्रा के है गजब, वो नाजनी बुताने खुदारा के हाय 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 हाय। सब राजमा वो उनकी निगाहें की हफ नजर, ताकत रुबा वो उनका इशारा के हाय हाय। हालांकि गालिब का बचपन ऐशो आराम में गुजरा, शादी के बाद उनकी माली हालत ज़रा मुश्किल हो गई, फिर वो दिल्ली मुंतकिल हो गए और हमेशा यहीं के हो गए। और जैसा अभी देवेश वर्मा साहब ने पढ़ा भी, वो इकलौता सफ़र जो उन्होंने दिल्ली से बाहर का किया वो कलकत्ते के लिए था, जो कि वो मुकदमे के सिलसिले में गए थे। दिल्ली में जब वो आए तो शायरी गूंज रही थी, जगह जगह मुशायरे हो रहे थे और उनके ससुर के घर में भी, जो मारूफ शायर थे, उनके घर में भी मुशायरे की महफिलें जम रही थी। गालिब को ये माहौल बहुत रास आया, मगर फिर पेंशन की जुस्तजू और मुकदमे के बायस गालिब काफ़ी परेशान रहे। नाकामी, परेशानी और शायर का बड़ा दिलचस्प रिश्ता है। वो कतील शिफाई कहते हैं ना, गर्मी हसरते नाकाम से जल जाते हैं, गर्मी हसरते नाकाम से जल जाते हैं, हम चरागों की तरह शाम से जल जाते हैं। आप नाकाम हो, परेशान हो और शायरी के दिलदादा हो तो गालिब बहुत याद आते हैं ऐसे में। अब जो गज़ल पढ़ने रोहित उपाध्याय आपके सामने आ रहे हैं, वो मेरे हस्बैंड की फेवरेट गज़ल है, कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती। कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती, मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। आगे आती थी हाले दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। जानता हूँ सवाबे तात ओ जोहद, पर तबीयत इधर नहीं आती। है कुछ ऐसी ही बात जो चुप हूँ, वरना बात कर नहीं आती। क्यों गर्दिशे मुदाम से घबरा ना जाए दिल, इंसान हूँ प्याला ओ सागर नहीं हूँ मैं। पेंशन के मुकदमे की मानसिक तनाव के अलावा आगरा से ही मिर्ज़ा गालिब को ऐशो इशरत की महफिलों की आदत लग गई थी। किशोर अवस्था से ही रंगीन महफिलें, यार दोस्तों के मजमे, शतरंज, पतंगबाजी की लत लग गई थी। दिल्ली पहुंचकर भी बहुत दिनों तक इसी रंग में रहे। हालांकि राजनीतिक तौर पर दिल्ली का पतन हो रहा था, कुछ विचारक ऐसा मानते थे कि रिलीजियस कन्फर्मिज्म ही इसका कारण था। गालिब इसी विचारधारा के समर्थक थे और स्वतंत्र चेतना एवं सुधार के पक्षपाती थे। He placed emphasis on seeking God beyond religious rituals. कहते हैं, है परे सरहदे अदराक से अपना मस्जूद, है परे सरहदे अदराक से अपना मस्जूद, किबले को अहले नजर किबला नुमा कहते हैं।
मैं दावत दे रही हूँ अब मोहम्मद अब्दुल शकूर को कि वो आए और गालिब दीवान गालिब से कुछ चुनिंदा गजलें पढ़ें। है हाजतमंद कौन है जो नहीं है हाजतमंद, किसकी हाजत रवा करे कोई, किसकी हाजत रवा करे कोई। गालिब लव मैंगोज। एक दिन गालिब दोस्तों के साथ आम का लुत्फ उठा रहे थे, वहां से एक गधा गुजरा और रास्ते में पड़े आम को सूंघकर छोड़ दिया। एक दोस्त ने पूछा, मियां आम में ऐसा क्या होता है, ये तो गधे भी नहीं खाते। गालिब तपाक से बोले, मियां गधे हैं वही नहीं खाते। इन्हीं मुस्कुराहटों और कहकहों से स्वागत कीजिए शादाब साहब का, वो अपनी अगली गजल लेकर आ रहे हैं। दर्द मिन्नत कशे दवा क्या है, दर्द मिन्नत कशे दवा क्या है, मैं ना अच्छा हुआ बुरा ना हुआ, दर्द मिन्नत कशे दवा ना हुआ। तो यहाँ पे दर्द को जो है शायरी में दर्द को गुर्बत को काफ़ी एहतमाम दिया जाता है और शायरी जो है उसी से निखरती है। तो दर्द मिन्नत कशे दवा ना हुआ, मैं ना अच्छा हुआ बुरा ना हुआ, जमा करते हो क्यों रकीबों को। कई लोगों की आदत होती है जो वेलविशर नहीं होते उन्हें जमा करके अपना दुखड़ा रोने की, तो जमा करते हो क्यों रकीबों को, एक तमाशा हुआ गिला ना हुआ, उससे सिर्फ तमाशा हुआ, कुछ कोई फ़ायदा नहीं होगा। काव्य के पारखी थे फजल हक। अभी तक जो भी गालिब ने लिखा था फजल हक ने उसे नया मोड़ दिया, पुराने और निरर्थक काव्य के संशोधन पे मजबूर किया। उनके कहने पर ही गालिब ने पुरानी गजलों को काटा छांटा जो कि उन्होंने फारसी में लिखी थी, और फारसी की बड़ी दीवान को काट कर उर्दू की एक छोटी दीवान बनाई जो आज बेहद मकबूल है। मैं दावत देती हूँ कनिका अरोरा को कि वो आए और पढ़े ये न थी हमारी किस्मत के विसाले यार होता, ये न थी हमारी किस्मत के विसाले यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतजार होता, तेरे वादे पर जिए हम तो ये जान झूठ जाना कि खुशी से मर ना जाते अगर एतबार होता। क्या बात, कोई मेरे दिल से पूछे तेरे तीर नीमकश को ये खलिश कहाँ से होती जो जिगर के पार होता। In 1840s, Delhi College was looking for Persian teachers. British Secretary Thompson was heading the institute. He asked Momin to teach, but Momin declined the offer. He recommended Ghalib's name, knowing that Ghalib was not doing well economically. Thompson called Ghalib to the college, which he did in a palanquin. Thompson did not receive him as per the official protocol and sent a word for Ghalib to come for the interview. Ghalib did not like it and returned from the gate itself. His pride got in his way. But the same Ghalib later wrote Qaside as patronage in literature was important to survive. Ghalib khud kehte hain, Ghalib wazifa khar ho do shah ko dua. गालिब वजीफा खार हो दो शाह को दुआ, वो दिन गए कि कहते थे नौकर नहीं हूँ मैं। मैं दावत देती हूँ इस बात के साथ सत्यपाल जी को कि वो यहाँ आए और पढ़े। सत्यपाल जी हमारे लिए पढ़ रहे हैं इस सादगी पे कौन ना मर जाए। सादगी पर उसकी मर जाने की हसरत दिल में है, सादगी पर उसकी मर जाने की हसरत दिल में है, बस नहीं चलता कि खंजर कफ ए कातिल में है, बस नहीं चलता कि खंजर कफ ए कातिल में है, देखना तकदीर की
जो उसने कहा। मैंने ये जाना कि गोया ये भी मेरे दिल में है। मुश्किल से मिलना, पेट्रंस का बदलना, आखिर में मुकदमा हार जाना, फिर भरी जवानी में भाई का पागल हो जाना, इन सभी कुछ ने गालिब का जीना दूभर कर दिया। जिन्होंने कर्ज दिया था वो भी तकाजा करने लगे। हालात बद से बदतर होते गए। जेल जाने की नौबत आ गई। महीनों घर में छिपे बैठे रहे। बाला आखिर कोशिशों के बाद फिर से दिल्ली कलेक्ट्री ने पेंशन बहाल की, मगर बहुत कम। 16 साल तक लड़ते रहे, अपील पर अपील करते रहे, लेकिन पेंशन की राशि नहीं बढ़ पाई। जुए और शराब की लत से मिर्जा गालिब जेल पहुंच गए। हर किसी ने ऐसे मुश्किल वक्त पर आंख फेर ली। एक दोस्त नवाब मुस्तफा खान शेफता ने बस हर कदम साथ दिया, रिहाई की कोशिश की, अपील का खर्च उठाया। बालाखिर गालिब बाहर निकले और फिर दोबारा जुए के जुर्म में गिरफ्तार हो गए। इस एक जद्दोजहद भरी जिंदगी चलती रही। मैं अब दावत देती हूँ नील डोगरा साहब को, हमारे टीम मेंबर हैं, और मैं उनका तारुफ कुछ ऐसे करूँगी कि गुड वाइब्स वाले नील डोगरा साहब अब हमारे सामने। की वफा हमसे तो गैर इसको जफा कहते हैं, की वफा हमसे तो गैर इसको जफा कहते हैं, होती आई है कि अच्छों को बुरा कहते हैं। आप वफा करते रहें। आज हम अपनी परेशानी खातिर उनसे कहने जाते तो हैं, पर देखिए क्या कहते हैं। अगले वक्तों के हैं ये लोग, इन्हें कुछ न कहो। अगले वक्तों के हैं ये लोग, इन्हें कुछ न कहो, जो मैं और नगमा को अंधो रुबा कहते हैं। अर्ज़े नियाज़े इश्क़ के काबिल नहीं रहा, अर्ज़े नियाज़े इश्क़ के काबिल नहीं रहा, जिस दिल पे नाज था मुझे वो दिल नहीं रहा। जाता हूँ दागे हसरते हस्ती लिए हुए, जाता हूँ दागे हसरते हस्ती लिए हुए, हूँ शमे पुश्ता दर खुरे महफिल नहीं रहा। मरने की ऐ दिल और भी तदबीर करके मैं, मरने की ऐ दिल और ही तदबीर करके मैं, शायान दस्तो बाद हुए कातिल नहीं रहा। अंदाजे नाला याद है सब मुझको पर असर, जिस दिल पे नाज था मुझे वो दिल नहीं रहा। यूं खत्म होती है गालिब की कहानी और आज के गालिब का अंदाज़े बयान का ये सफ़र। मुझको यूं लगा जैसे मैं आप सब की गज़लों के माध्यम से अपनी आँखों के सामने गालिब का फिलोसफिकल, लिटरेरी और ज़िंदगी का सफ़र देख रही हूँ। इसी शेर के साथ ख़त्म करूँगी और दावत दूँगी हमारे निशस्त दिल्ली के टीम मेंबर जसप्रीत को कि वो वोट ऑफ थैंक्स के लिए आएँ। शेर आखिरी शेर है, और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, साथ दीजिएगा। है और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़ बयां और। शुक्रिया।